कि ऑर्गेनाइज योर आंसर्स। ऑर्गेनाइज का मतलब है व्यवस्थित तरीके से लिखिए अपने आंसर्स को। तो देखिए यहाँ पे दो फोटो है, मैच बॉक्स की फोटो है सिंपल। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी वाली फोटो आपको ज़्यादा पसंद है तो आप क्या कहेंगे? मोस्ट लाइकली आपका आंसर होगा राइट हैंड वाली। क्यों? क्योंकि राइट हैंड वाली जो फोटो है उसमें तिल्लियां जो हैं वो व्यवस्थित तरीके से रखी हुई, और जो लेफ्ट वाली है उसके अंदर जो तिल्लियां हैं वो अव्यवस्थित तरीके से पड़ी हुई हैं, तो वो हमें इतनी पसंद नहीं आती है। आप अपने आंसर को जब लिखें तो अपने आंसर को बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से लिखिए। जो पहले चीज़ आनी है वो पहले लिखिए, जो बाद में चीज़ आनी है वो बाद में लिखिए, और उनके बीच में एक लिंक बनाइए ताकि एक पूरी स्टोरी सी बन सके, ताकि उसको एग्जामिनर जब पढ़े तो उसके दिमाग में इतना जोर ना पड़े और उसको बहुत आसानी से वो चीज़ जो है समझ में आ जाए। तो इस तरह की चीज़ों से क्या होता है कि उसके ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, एग्जामिनर के जो मन में एक बात आती है कि हाँ ये बंदा जो है वो उसने मेहनत करी है। तो व्यवस्थित आंसर का मतलब ये है कि आप जैसे पहले डेफिनेशन लिखिए, उसके बाद में उसकी डिटेल्स लिखिए, फिर हो सके तो उसका डायग्राम बनाइए और एग्जाम्पल दीजिए। तो इस तरीके से उसको एक स्टोरी बना करके लिखिए, और आंसर में आप जो है वो मेन पॉइंट्स लिखने में फॉर एग्जाम्पल आप कलर पेन का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो मुख्य मुख्य बिंदु में आप एक दूसरे कलर का, जैसे कि हरा कलर ले लिया ज़्यादातर, लाल तो कभी यूज करना मत क्योंकि लाल जो है वो एग्जामिनर को पे जांचने में करते हैं, ये आपको पता ही है। तो हरा रंग जो होता है वो मेरे हिसाब से वो आँखों को सुकून देता है, अच्छा लगता है। तो अगर आप जो मुख्य बिंदु हैं जो आंसर के वो हरे पेन से लिखें तो उससे भी एक पॉजिटिव मैसेज जाता है। तो कहते हैं कि एक तस्वीर जो होती है वो 1000 शब्दों के बराबर होती है, ये बात साइंटिफिकली भी करेक्ट है। और साइंस कहती है कि हमारा ब्रेन विजुअल चीज़ों को टेक्स्ट की बजाय 60,000 गुना तेजी से समझता है। हम सभी को वो चीज़ें जो हम देखते हैं जल्दी समझ में आती हैं और याद रहती हैं, बजाय उनके जिन चीज़ों को हमें एक लंबे टेक्स्ट के जरिए समझना पड़ता है। हम कहते हैं ना बोरिंग है, ये बुक बोरिंग है, ये टीचर बोरिंग है। क्यों कहते हैं उनको बोरिंग? क्योंकि उन चीज़ों को समझने के लिए हमारे दिमाग को ज़्यादा काम करना पड़ता है, ज़्यादा जोर डालना पड़ता है। अगर उसमें एक चित्र है, रंगीन चित्र बनाए हुए हैं, कलरफुल चित्र बनाए हुए हैं, तो उनकी मदद से हमको जो कॉन्सेप्ट होती है वो जल्दी समझ में आ जाती है। उसी तरह से टीचर अगर क्लास में चित्रों के माध्यम से समझाए, या फिर आपको जो है इमेजिनेशन के माध्यम से समझाए कि कल्पना कीजिए, या रियल लाइफ के उदाहरण दे, मतलब आप किसी तरीके से उस कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज कर सकें, तो आपको वो चीज़ जल्दी समझ में आती है। तो बिल्कुल एग्जाम में भी यही फंडा बनाए रखिए आप, और जहाँ तक हो सके चित्र बनाइए, विजुअल बनाइए, स्केमेटिक बनाइए, ताकि एग्जामिनर को जल्दी समझ में आए। और यकीन मानिए इन छोटी छोटी चीज़ों से जो है एग्जामिनर के दिमाग में जब वो आपकी कॉपी को इवेल्युएट कर रहा होता है तो एक अच्छा और पॉजिटिव इम्प्रेशन पड़ता है। अब दोस्तों विजुअल का मतलब ये भी नहीं है कि आप हर आंसर में जो है चित्र बनाने बैठ जाएं और आपको पता चले आपने सारे टाइम में चित्र ही बनाए और आपका आधा पेपर छूट गया। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा करना गलत है। इसलिए मैं कह रहा हूँ जहाँ पर आवश्यकता हो, जहाँ संभव हो, जहाँ आपको ये लगे कि हाँ यहाँ पर मैं इसको विजुअलाइजेशन कर सकता हूँ, मैं इसको एक डायग्राम या स्केच की मदद से आंसर को अपने को बढ़िया तरीके से लिख सकता हूँ, तो वहाँ पर कीजिए आप ऐसा। अब विजुअलाइजेशन का जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, ये साइंस का एग्जाम्पल है कि मान लिया क्वेश्चन है व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस, तो आप उसमें अपना आंसर लिखेंगे, टेक्स्ट लिखेंगे, पूरी डेफिनेशन लिखेंगे, और उसके साथ में हो सकता है आप एक छोटा सा चित्र भी बना दें। ये जो एग्जांपल मैंने दिया है ये तो साइंस का एग्जांपल है, लेकिन आप इसको जो है दूसरे सब्जेक्ट्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। कहीं पे कोई प्रोसेस समझानी है, जैसे स्टेप वन के बाद स्टेप टू होता है, फिर स्टेप थ्री होता है, इस तरीके से कर सकते हैं। कहीं पर कंपेरिजन करना है तो आप टेबल बना के कंपेयर कर दीजिए, ठीक है। कहीं पे आपको पूछ लिया कि फलां डायनेस्टी में कितने जो है एम्परर हुए, कितने जो है किंग्स हुए, तो आप उसको आप एक ऑर्गेनोग्राम बना सकते हैं कि ये पहले पहला किंग, फिर उसकी दूसरी जनरेशन में, फिर तीसरी में, उसको एक डायग्राम के माध्यम से और मेन मेन जो इन्फो है वो उसमें आप डाल सकते हैं।